खबर है मिर्जापुर से। कोरोना काल में सामान्य परिवार के लिए शिक्षा महंगी साबित हुई। सबकी पकड़ से दूर होती शिक्षा को आम बच्चों तक पहुंचाने का बीड़ा खुद अध्ययन कर रही दो बालिकाओं ने उठाया। गंगा नदी के किनारे तीन बच्चों से शुरू हुई क्लास में आज सरकारी से लेकर CBSE और ICSE के बच्चे भी सभी विषयों की मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मिर्जापुर नगर के बरिया घाट पर कुछ अरसा पूर्व खुद अध्ययन करने वाली शिखा मिश्रा और पूर्णिमा पढ़ाई करती हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई आरंभ हुई। इससे गरीब परिवारों के बच्चों के पास मोबाइल न होने के कारण वह शिक्षा से वंचित रहने लगे। यह देख बालिकाओं ने गंगा घाट पर खुले आसमान के नीचे गरीब परिवार के बच्चों के लिए क्लासेस शुरू की। तीन बच्चों के साथ शुरू हुई क्लास में अब 60 बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी विषय की पढ़ाई बच्चों को मुफ्त में दी जा रही है। सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अब गंगा नदी घाट के किनारे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ ही शारीरिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। वह मुफ्त में चल रही क्लास में पढ़ाई करने से बेहद खुश है। मिर्जापुर से नई वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदिनी मौर्य है। नंदिनी, कब से पढ़ने यहाँ पर आती हो? एक साल से पढ़ रही हूँ। पढ़ाई होती है? यस। तो जो जिसलिए पढ़ाती है, पैसा लेती है, फ्री में पढ़ाती है? नहीं, फ्री में पढ़ाती है। फ्री पढ़ती है। 1-2 आता है? हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कहाँ पढ़ती हो तुम? मैं बरिया घाट पढ़ती हूँ। सरकारी स्कूल में? प्राइवेट में। सरकारी स्कूल में। तो यहाँ पर रोज आती हूँ पढ़ने के लिए? हाँ। मन लगता है पढ़ने में? शिखा मिश्रा। शिखा जी, कहाँ से, आज शिक्षक दिवस है, ऐसे में आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? बच्चों पढ़ाती हैं, कहाँ से बच्चे लाती हैं? देखिए, मुझे लगता है देश को बदलने के लिए सबसे अच्छी कोई शुरुआत हो सकती है तो वो है शिक्षा। जितने लोग शिक्षित होंगे चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था और वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते थे, तो हमने ऐसे बच्चों को कलेक्ट करा और हमने बरिया घाट में उनकी क्लास लगाना शुरू की और हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और हमारे पास आज 60 से ज़्यादा बच्चे हैं। कहाँ से बच्चे लाते हैं? कुछ घंटाघर के हैं, कुछ मोवरिया के हैं और कुछ फासलीगंज के हैं। स्टार्टिंग हमने घंटाघर के बच्चों से किया था, धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए तो अभी आसपास के एरिया से लेकर मोहरिया तक हर जगह से बच्चे आते हैं। आप क्या करती हैं? मैं PG कर रही हूँ, मेरा अभी PG जस्ट कंप्लीट हुआ है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। पूर्णिमा सिंह। पूर्णिमा जी, कहाँ से प्रेरणा मिला, बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
जी हम लोग बाहर के शहर से पढ़े हैं, तो वहाँ के जो ओपन एरिया होता है, गार्डन होता है, घाट होता है, तो वहाँ पे लोग पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर का एनवायरनमेंट जस्ट अपोजिट है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए ही यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। कैसा लगता है निःशुल्क पढ़ाते हैं? नहीं, निःशुल्क है। तो ये कब से पढ़ा रहे हैं? कितने बच्चे पहले शुरुआत था, कितने बच्चे हुए? हम लोग काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं यहाँ। लगभग हम स्टार्ट जब किए थे तो यहाँ 3 बच्चे आए थे फर्स्ट डे, और यहाँ घूम रहे थे। हम उन बच्चों को रोका, हमने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, हमने उनको डेली आने के लिए कहा। उसके बाद आज हमारे पास 60+ बच्चे हो गए हैं। ये बच्चे डेली आते हैं, हम इनको हर कुछ पढ़ाते हैं, हम इनको गेम कराते हैं, इनके अंदर और कोई भी एक्टिविटी होता है तो हम उनको कराते हैं।